वेलकम फ्रेंड्स, डीआरके नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डीआरके नॉलेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है, सोशल स्कीम सेशन के अंतर्गत हम जितनी भी राज्य की सरकारी योजना है, जितनी भी केंद्र की सरकारी योजना है, सारी योजनाओं को हम इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो हम इसी तरह से आपको योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं कि योजना क्या है, किस प्रकार से इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, कि योजना के अंतर्गत कितना बेनिफिट दिया जाता है, क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा किस प्रकार से आप फॉर्म को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आज की वीडियो की बात करें तो हम आज की वीडियो में बात कर लेते हैं श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। श्रेष्ठ योजना की बात करें तो इसका इंग्लिश में पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, यानी लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में शिक्षा छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना। इसके बारे में बात करें तो यह योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसे शुरू किया गया था 6 दिसंबर 2021 को, जिसका नाम दिया गया था श्रेष्ठ योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC के जो छात्र हैं वो आवेदन करके गुणवत्ता पूर्वक आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहीं पर उसी हॉस्टल में रहकर, एक हॉस्टल में रहकर वहीं से जो है आवास, उस आवास पर रहकर जो है गुणवत्ता पूर्वक जो है वहाँ पर अच्छी प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत जो है आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस योजना को चलाया गया था SC कैंडिडेट के लिए। अब क्यों शुरू की गई थी इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो पात्र छात्र हैं उनको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें उनको प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन करवाया जाएगा और वहाँ पर जो है आवासीय आवास की सुविधा भी की जाएगी। इसकी बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति के छात्रों को सक्षम बनाने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। कक्षा 9 से 12वीं तक के जो आर्थिक तंगी के कारण जो है शिक्षा छोड़ देते हैं, उनको पढ़ाई न छोड़े आर्थिक तंगी के कारण, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके आप पढ़ाई को सुचारू कर सकते हैं और इसके लिए जो सरकार हर साल कुछ इलाके का चुनाव करती है, कुछ क्षेत्रफल का चुनाव करती है, उस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितनी भी SC छात्र हैं उनको इस योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के लिए की क्या विशेषता है। तो इस योजना की विशेषता की बात करें तो ये एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि 6 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र छात्र आवेदन कर आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं गुणवत्तापूर्वक, और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा संपन्न करवाई जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र भविष्य को सशक्त व सक्षम बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो श्रेष्ठ योजना के तहत जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के वह विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई करने के लिए जो है इस समस्या का समाधान के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन करके अपनी पढ़ाई को सुचारू कर सकते हैं। 2022 के अनुसार बात करें तो यहाँ पर विभिन्न इलाकों का चयन किया जाता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के जो छात्र रहते हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इस योजना की पात्रता की बात करते हो, इस योजना की पात्रता में हम बात करें तो भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदन करता छात्र होना चाहिए, छात्रा के लिए यह योजना काम नहीं वर्क नहीं करती है, और अनुसूचित जाति यानी SC जाति का जो है छात्र होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज के रूप में चाहिए आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, आयोग का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, email ID और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर और मान्यता और पात्रता की बात करें तो वह 8वीं शैक्षणिक वर्ष जो वित्तीय वर्ष है 21-22 का, 23-24 का वहाँ पर वह कक्षा 8 से 10वीं के अंतर्गत जो पढ़ रहा होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें तो पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, SC कैंडिडेट्स 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और SC कैंडिडेट का छात्र होना चाहिए। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो है योजना के माध्यम से एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, एंट्रेंस एग्जाम NTA करवाती है, जो 9वीं से लेकर 11वीं तक के प्रवेश, 11वीं तक के किसी भी कक्षा में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो हर कक्षा की अलग अलग एग्जाम्स ली जाती हैं NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। अब योजना का सार के रूप में अगर बात कर लेते हैं, एक सार के रूप में जान लेते हैं योजना जिसके बारे में हमने जाना है। तो देखिए, यह योजना जिसके बारे में हमने जाना वह केंद्र सरकार की योजना है, जिसका लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी यहाँ पर अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेधावी छात्रों को गुणवत्ता पूर्वक आवासीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजना शुरू की गई थी। साल 2023 के अंतर्गत इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म किया जा रहा है
किया गया था। और इसकी अगर ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हैं shrestha.nic.nta.in पर वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना के बारे में जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिस योजना का फिलहाल फॉर्म फिल किया जा चुका है फ्रेंड्स, जब भी इस योजना का नया फॉर्म आवेदन किया जाएगा उसकी सबसे पहले हम नोटिफिकेशन इस चैनल पर डालेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।